शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। क्या? नहीं नहीं कुछ नहीं, चल मैं। राम जी, प्लीज राम जी, हमारी निधि की रक्षा करना। वो सेफ हो, उसे कुछ। राम जी, अब तो पापा भी घर पे नहीं है, निधि पूरी तरह से हमारी जिम्मेदारी है। प्लीज उसकी रक्षा कीजिए भगवान जी, प्लीज वो सेफ हो, उसे सही सलामत घर वापस भेज दीजिए राम जी। अब तक सिद्ध को निधि मिली भी कि नहीं? निधि, आशी तुझे लेके बहुत टेंस्ड है। रोहन के घर जो भी हादसा हुआ, आशी के सामने कुछ मत कहना, ठीक है? सिद्ध भाई, उसके सवाल का जवाब हम हमारा जो तो हमारे तुम पब्लिक सो रहे हैं। तू कुछ कहना ही मत, मैं सब संभाल लूंगा। लो आ गई तुम्हारी निधि। शुक्रिया राम जी का कि तू आ गई। कहाँ गई थी तू? ऐसे बिना बताए कौन जाता है? कहाँ गई थी और क्यों गई थी? और तुझे कितनी बार बोला है जहां भी जाए नीले साथ में लेके जाएगा, सुनती क्यों नहीं तू हमारी? तू चुप क्यों है? तू ठीक है? हम ठीक है, बस थके हैं तो नींद आ रही है हमें। क्या बात है निधि? क्या बात क्या होगी, तुम्हें आदत हो गई है क्या सबके पीछे पड़ने की? उसने कहा ना वो थक गई है। निधि तू जा सो जा। हम तुमसे कुछ पूछ रहे निधि। मैंने भी कहा ना वो थक गई है, जा सो जा निधि। क्या थे सब? हाँ तुम उसके सगे भाई नहीं हो तो ज्यादा दिखावा मत करो। मैं कभी दिखावा नहीं करता। तो क्या थे सब, हमें उसे बात क्यों नहीं करने दी? कहा ना थक गई थी वो। तुम उसे हमसे ज्यादा नहीं जानते हो? हाँ हम उसे बचपन से जानते हैं, तुम्हारा तो बस कुछ दिनों का रिश्ता है। तो ऐसा बिहेव मत करो जैसे कि तुम्हारा खून का रिश्ता हो। सिर्फ खून के रिश्ते नहीं होते आशी, दिल के रिश्ते भी होते हैं जो खून के रिश्तों से कहीं ज्यादा बढ़ के होते हैं। लेकिन ये बात तुम नहीं समझोगे। खैर मुझे तुमसे कोई आर्ग्यूमेंट नहीं करनी। और निधि और विद्या के लिए मैं पहले भी उनका भाई था, आज भी उनका भाई हूँ और हमेशा रहूंगा। सेठ हमारी बात सुनो, बड़े भाई बेनिफिट में ना उसके, तो फिर उससे सवाल क्यों नहीं करने दिया हमें? बल्कि जो सवाल हम उससे कर रहे थे वो तुम्हें उससे करना चाहिए था। ऐसे आधी रात को लड़कियों को बिना बताए बाहर जाने चाहिए? सिद्ध हम तुमसे कुछ पूछ रहे हैं, जवाब दो। सिद्ध बोलो, सिद्ध हम तुमसे कुछ पूछ रहे हैं, तुम सुनाई दे रहे? तुम्हें कहां मिली तुम्हें निधि? सिद्ध जवाब दो, निधि तुम्हें मुझे चेंज करना है। नहीं बताओगे ना तुम? हमें वॉशरूम जाना है। पहले मैं चेंज करूंगा। लेडीज फर्स्ट। हो गया तुम्हारा? अभी बताओ निधि कहाँ मिली? घर के बाहर। घर के बाहर? इतना टाइम लग गया घर आने में? वो निधि को आइसक्रीम खानी थी तो उसको आइसक्रीम खिलाने बाहर ले गया था। अच्छा, आधी रात को आइसक्रीम खानी थी? क्यों, तुम्हारा भी तो मन करता है सर्दियों में रातों में आइसक्रीम खाने का। करता था, अभी मन क्या करता है क्या नहीं मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है जानने में। तो जैसे तुम्हारा मन करता था वैसे निधि का मन करता है। निधि और हमें बहुत फर्क है, और ये निधि भी बहुत अच्छे से जानती है कि उसे अस्थमा है, आइसक्रीम उसके लिए अच्छी नहीं है,
और वो भी रात को, कितनी तकलीफ। वो खा रही थी और तुमने उसे खाने भी दिया। बड़े भाई भाई बनते हो, रिश्ते निभाने में और बनाने में बहुत फर्क होता है, लेकिन तुम क्या समझोगे? ओ हेलो, कमाल का लड़का, हम यहाँ पे बड़बड़ाए जा रहे हैं और ये कुंभकर्ण कहीं का। क्या हुआ सिर, तुम ठीक हो? सिर तुमसे कुछ पूछ रहे हैं, ठीक हो? जब ऐसी हालत थी तो आधी रात को बाहर आने की क्या जरूरत है? ताजा हवा खाने आया था, पर अब तुम मेरा दिमाग खा रही हो। हमें कोई शौक भी नहीं तुम्हारा दिमाग खाने की। पानी लेके आए थे तुम्हारे लिए। तो मेरी केयर है? नहीं। मेरी टेंशन है? नहीं। मेरी परवाह है? नहीं। गुड, मैं चाहता भी नहीं तुम ये सब करो मेरे लिए। तो मैं कहां जाता हूं, क्या करता हूं, इससे तुम्हें कोई मतलब नहीं होना चाहिए। तुम्हारे जैसे मतलब ही नहीं है ना, हम मतलब निकालने नहीं आते, हमें हर जान की परवाह करते हैं। दूसरों के लिए अपनी जान दे सकते हैं, किसी की जान लेनी नहीं आती हमें। लेकिन अब तुम मेरी जान ले रही हो, जब तक तुम यहाँ खड़ी रहोगी मेरा दम घुटता रहेगा। हमारा दम तो तुम बहुत पहले घुट चुके हो सिर। अब तो मुझे ऐसा लग रहा है तुम यहाँ रहोगे तो मैं ताजा हवा भी नहीं ले सकता। मेरी जान के भी दुश्मन बन गई हो तुम। जिंदगी के दुश्मन तो तुम बन गए हमारे। जब तक होता बस छूने का बहाना चाहिए रहता है। पहले खुद गिराते हो, फिर उसके बाद खुद ही संभालते हो। हाथ कैसे लगाए हमें? हाँ, नहीं लगाना चाहिए था। हम कोई लवी लवी कपल नहीं है जो तुम जब होता हमारी कमर में हाथ डालते हो। छूने का बहाना चाहिए बस। यू नो व्हाट आशी, मुझे तुम्हें छूने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, और जिसे उस तरह से छू सकूं वो आशी भी मर गई। राम जी, ये लोगों के डिजाइन इतने भी अच्छे नहीं बने, क्या करें? बचपन में अपनी निधि हमारी सारी ड्राइंग्स बनाती थी। पहले डिजाइन्स जाके निधि को दिखाते, उसकी स्केचिंग भी अच्छी है, वो हमें सही से गाइड कर दी। निधि टूट गई, अच्छी बात है। इधर आ, देख हमने ना कुछ डिजाइन्स बनाई हुई, जल्दी से इनको देख और बताए कैसी है। कुछ भी चेंजेस चाहिए हो ना तो हमें अभी बता, हम अभी चेंज करते। यार आशी, हमें ना कुछ समझ नहीं आ रहा है, तू देख लेना प्लीज़।